बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज की जो अपडेट है या वीलॉग है वो AWT फेस टू के है के मुतल्लिक है। राइट नाउ मैं AWT फेस टू के सी ब्लॉक में हूँ जहाँ ग्रिड स्टेशन है। ये ग्रिड स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ और जो है ना इससे आज अंदर से वीलॉग शुरू करेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना जनरली ये इसमें जो है ना कैटेगरी 10 मरला और एक किनाल के प्लाट्स की है ना। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो बाई वेरिफिकेशन हुए हैं यानी कि 5 मरले में भी हैं लेकिन ज़्यादा आपको 10 मरला और एक किनाल ही मिलते हैं ना। तो ये इसका फेस वन जो है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ है AWT फेस वन। तो ये फेस टू में राइट नाउ है। ये 30 फिट की इसकी सड़कें हैं जो अंदर वाली हैं और जो मेन कनेक्टेड रोड है वो सारे जो है ना वो आपको 60 फिट या 40 फिट पर मिलते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी रेजिडेंस आई है और ये बहुत अच्छी सोसाइटी है एज़ कम्पेयर टू बहुत सी सोसाइटीज़। इसमें सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है और ये बिल्कुल सी ब्लॉक क्योंकि दीवार आती है और इसके दूसरी तरफ जो है ना वो साथ फिर बीकन हाउस सोसाइटी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं अभी इसके फेस जो है ना सी ब्लॉक से मेन बुलेवर्ड की तरफ जा रहा हूँ। इसमें ABCD ब्लॉक ई ब्लॉक तक 5 ब्लॉक हैं इसमें जनरल जो है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और इसमें जो है ना बड़ी पीसफुल लिविंग है और जो इसको क्योंकि AWT ही कंट्रोल करता है तो गैस वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ बड़ी अच्छी मेंटेन है। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड नहीं है, वो आपको वायर्स नज़र आ रही होंगी। और इसमें रेजिडेंस जगह जगह पे हर जगह ही आपको रेजिडेंस मिलती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो ओवरऑल इस वक्त हर सोसाइटी में ही हो रही है लेकिन AWT फेस वन की बनिस्बत यहाँ फेस टू में जो है ना रोड्स ज़्यादा अच्छे हैं और वेल मेंटेन है। ठीक है, उसकी शायद ये भी वजह है कि यहाँ उनके पास जगह ज़्यादा है और जो है ना इधर अंदर ही इनकी सारी बॉडी बैठी है। इसका जो मेन ऑफिस है ट्रांसफ़र ऑफिस वगैरह वो इसके जो है ना जाति उमरा रोड के दूसरी तरफ आता है मेन गेट से जो इसका गेट नंबर 2 के सामने साइड पर ना। तो ये मैं इसकी जो है ना सी ब्लॉक की मस्जिद की तरफ अभी राइट नाउ जा रहा हूँ। तो इसी तरह ये मैं आपको सारा इसका व्यू देता हूँ मेन बुलेवर्ड का भी और सारा इसका जो है ना चीज़ें साथ साथ इसी वीलॉग से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे जो भी रेट्स के मतलब यहाँ जो भी चीज़ें हैं जनरली वैसे यहाँ जो है ना 875 से लेके 120 तक 10 मरले का प्लॉट है और इसी तरह 170 से लेके 230 तक जो है ना वो किनाल का प्लॉट है। लेकिन वो वेरिएशन प्राइस में शायद इस तरह भी आती है कि जो है ना ये मस्जिद है इसकी तो वो लोकेशन वाइज या जिस तरह चीज़ें हैं वो फिर जो है ना ये मक्की मस्जिद है अभी ज़ेरे तमीर है लेकिन काफ़ी सारा काम हो चुका है इसमें। ठीक है, ये सामने इसकी कमर्शियल एरिया है। ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड पे और ये मेन बुलेवर्ड आप रोड जो है ना वो देख सकते हैं कि ये यहाँ ही रियल इस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स वगैरह बैठे हैं और जो है ना दूसरी चीज़ें ये इस साइड पे आप देखें ये सारा कमर्शियल एरिया। ठीक है, ये पार्क है इसका। मेरे भी व्लॉग में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन शायद कम मिले कि सोसाइटीज़ में जो है ना ये डिटेल इंफॉर्मेशन लेकिन रेट रिगार्डिंग और दूसरी जो इसकी चीज़ें हैं जो टेक्निकल आपको घर बनाने से या इसमें जो वो ज़्यादा आपको मिलेंगी। दूसरा ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ जो है आपको नक्शा वगैरह पास करवाने के बाद इनसे भी आपको जो है ना वो चीज़ें इन्हीं के थ्रू चलती हैं AWT के अंदर ही। इसको बेसिकली ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की सोसाइटी है, इसी को भी जो है ना आर्मी ही डील करती है। तो लेकिन ये क्योंकि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है तो इसमें चीज़ें ज़रा थोड़ी सी DHS से मुख्तलिफ हैं। ये इसका मेन गेट है जिसे मैं एग्ज़िट करूंगा और सामने ये जाति उमरा रोड है जो जाति उमरा रोड की कनेक्टिविटी जो है वो आती है जाके उस पर जो है ना जो मोटरवे कह लें या मोटरवे से पहले जो आपको रिंग रोड की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के लिए आती है वो यहाँ से 2 मिनट या हार्डली 1.5-2 मिनट का ही रास्ता है। ठीक है, तो ये मैंने एग्ज़िट किया है और ये बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सामने जाति उमरा रोड है। लेकिन ये आज का जो वीलॉग है वो इतना ही है। तो इसके मतलब आपके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।